पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सचिन चौधरी ने अपने जिला कार्यालय पर आज अपना चुनावी घोषणा पत्र पेश किया। वैसे अमरोहा में कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत नहीं हैं, लेकिन फिर भी सचिन चौधरी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से चुनाव में टिके रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सचिन चौधरी ने बड़े लोक लुभाने वायदे कर अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि आपको बता दें कि अमरोहा में कांग्रेस पार्टी जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी सचिन चौधरी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपने आप को मुकाबले में बनाए रखना चाहते हैं। इस घोषणा पत्र में उन्होंने धार्मिक स्थलों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक, किसानों से लेकर मजदूरों तक की बात की है। शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ा गया है। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा ये घोषणा पत्र जनता को लुभा पाता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी मौसम में सचिन चौधरी ने अपने घोषणा पत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेटरल एंट्री मैनुअल स्क्रैचिंग 3 वर्ष खत्म की जाएगी एवं पुनर्विश्वास किया जाएगा। परीक्षा रोजगार दिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक सरकारी पद भरेंगे। 10 लाख सेवा मित्रों की नियुक्ति अमरोहा के लिए बताते हैं। प्रत्येक विधानसभाओं में 5 गांव गोद लिए जाएंगे। टोटल मिला के 25 गांव गोद लिए जाएंगे लोकसभा में, और सब में कार्य किया जाएगा। यह आपके सामने होगा। सभी प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करवाया जाएगा। सभी विधानसभाओं में एक बड़ा अस्पताल खुलवाया जाएगा। अमरोहा की पानी निकासी को लेकर सुरक्षित किया जाएगा। क्षेत्र में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाया जाएगा। क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनवाई जाएगी। गन्ना किसान के भुगतान, मूल्य निर्धारण, खेती संबंधी जरूरतों पर सब्सिडी हेतु विधायक लाया जाएगा, विधेयक लाया जाएगा। छात्रों के लिए सरकारी छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। छात्राओं के लिए घर से कॉलेज तक विशेष बस लगवाई जाएगी। गढ़ मुक्तेश्वर, ब्रजघाट व तिगरी घाट को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराएंगे एवं यहां पर लगने वाले ऐतिहासिक गढ़ गंगा एवं तिगरी मेले को और भी आकर्षक व्यवस्थित कराया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सड़कों का 1 वर्ष के अंदर नवीनीकरण कराया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन से पारदर्शिता लाकर समय अवधि निर्धारित की जाएगी। अमरोहा लोकसभा को ODF खुले में शौच मुक्त बनाया जाएगा। बीडी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 100 से 400 रुपये की जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी लघु उद्योग हैं सबको साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। मुंडा उद्योग, अमरोहा के हस्तशिल्प उद्योग को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत में विकास की निधि का ब्यौरा वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। किसी भी समस्या का स्थायी हल निकालने का प्रयास करेंगे। गन्ना किसानों के समर्थक हैं तो व्यापक योजनाएं विकसित करेंगे जो कि उचित मूल्य की गारंटी और समय पर भुगतान करने को सुनिश्चित करें। सहा विलायत दरगाह को पर्यटन मानचित्र पर लाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। बीडी श्रमिकों के लिए विशेष आजीविका सर्थन परियोजना चलाई जाएगी। जितने भी हमारे लघु उद्योग चलाते हैं सभी को योजनाओं के तहत जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अमरोहा के आसपास के इलाकों में रेल सुविधाओं के विकास हेतु प्रयास किए जाएंगे। किसान बजट अलग से बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत 100 दिन की बजाय 150 दिन सुनिश्चित किए जाएंगे। नया व्यापार शुरू करने पर 3 वर्ष तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। जो हमारे युवा होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, उनको टैक्स देने में बहुत दिक्कत आती है। नया व्यापार वो अपना शुरू करें, 3 साल तक कोई